नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ हंसनी कुमार सिंह। जी हिंदुस्तान के पावर पैक शो खबर माँ बड़ियाग में आपका स्वागत है। खबर माँ बड़ियाग शो में हम आपको हिंदुस्तान के शहर से लेकर गांव तक हर अहम खबर और वायरल खबर आपको दिखाते हैं, यानी ये है खबरों का पावर हाउस। और सबसे पहले बात होगी नोएडा की, जहां पर भीषण आग लग गई। नोएडा के सेक्टर 3 में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और जिसको बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम लगी और कड़ी मशक्कत उसको करनी पड़ रही है। नोएडा में आग का तांडव मचा हुआ है। आग से आसमान धुआं धुआं हो रहा है। आग की लपटें बेहद डरावनी हैं। नोएडा के सेक्टर 16 में भीषण आग लगी हुई है। मेट्रो स्टेशन के नजदीक आग से हाहाकार मचा हुआ है। नोएडा सेक्टर 16 में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें विकराल होने लगी। चारों तरफ धुआं ही धुआं उठने लगा। फैक्ट्री में जैसे ही आग लगी, आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। भयंकर आग को देखते ही भगदड़ मच गई। मौत के डर से लोग फैक्ट्री से भागने लगे। फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी जरूरी सामान को भी बचाने की जुगत में रहे। ये देखिए हाहाकारी आग की तस्वीरें। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसका वीडियो बनाने में लगे थे, अपने घरों से इस आग को कैमरे में कैद करने में लगे थे। देखते ही देखते आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद दमकल विभाग में भी हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग के तांडव को शांत करने की कोशिश में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारी बवाल हो गया। मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए, उसके बाद लाठी डंडे और पथराव हो गया। बिलासपुर में बवाल, विसर्जन पर उबाल, लाठी डंडों से प्रहार, डीजे पर पथराव, 2 गुटों में महाभारत, सड़क पर संग्राम। दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच इस भिड़ंत को देखिए। झांकी के दौरान डीजे पर ईंट और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हाथ में लाठी डंडा लेकर पहुंचे उपद्रवी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। हो हंगामे और मारपीट के बीच मां दुर्गा विसर्जन की ये झांकी उस वक्त जंग के मैदान में तब्दील हो गई, जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 पंडाल समितियां आपस में भिड़ गईं। झांकी आगे निकालने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते भयंकर मारपीट में बदल गया। पूजा पंडाल समितियों के लोग लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर सवार हो गए। बिलासपुर के करुणा चौक के पास हुए जंग की इस तस्वीर को देखिए। हर तरफ हंगामा मचा है। मारपीट की घटना में न सिर्फ 2 समितियों के बीच बवाल हुआ, बल्कि सड़क किनारे खड़े लोगों को भी निशाना बनाया गया। मामूली बात पर शुरू हुए इस विवाद में महिलाओं के भी पथराव में शामिल होने की खबर है। दुर्गा विसर्जन पर हुए खूनी संघर्ष में कई लोगों को सिर और शरीर पर चोटें आई हैं, जबकि घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। कोतवाली पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया है। अभी 2 संदेही पुलिस हिरासत में है, जिनसे पूछताछ जारी है। दूसरी ओर दुर्गा विसर्जन के दिन हुए हंगामे को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दुर्गा विसर्जन के दिन अगर पुलिस बल की वहां तैनाती होती तो इस घटना को रोका जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अब हम आपको एक साध्वी की वायरल हो रही तस्वीरों को दिखाते हैं, जिस वीडियो में साध्वी दनादन फायरिंग करते नजर आ रही हैं। और साथ ही दिल्ली का एक वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूटी चोर बड़ी ही सफाई से चोरी की वारदात को अंजाम देता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। वीडियो में एक महिला तलवार लहराते नजर आ रही है,
जबकि दूसरे वीडियो में यही महिला हाथ में तमंचा लिए हवाई फायरिंग करती दिख रही है। गेरुआ वस्त्र, हाथ और गले में रुद्राक्ष की माला, देखने से यह प्रतीत होता है कि जो महिला वीडियो में नजर आ रही है वो एक साध्वी है। वीडियो में साध्वी के साथ एक युवक भी नजर आ रहा है। युवक साध्वी के ठीक बगल में खड़ा रहता है। उस दौरान साध्वी हवा में तलवार भांज युद्ध कौशल का जौहर दिखा रही होती है। जैसे ही साध्वी अपने हाथों में रिवॉल्वर लेती है, दनादन हवाई फायरिंग करना शुरू कर देती है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो उत्तराखंड के रुड़की का है। हालांकि जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रही चोरी की इस वारदात को देखिए। रात के अंधेरे में चोर एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखिए घर के बाहर खड़ी स्कूटी को ये चोर कितनी सफाई से चोरी कर लेता है। सीसीटीवी वीडियो में देखिए हैंडल लॉक तोड़ने के बाद शातिर चोर स्कूटी इसीलिए स्टार्ट नहीं करता ताकि लोगों की नींद न टूट जाए, इसीलिए बल्कि स्कूटी को धक्का देकर अंधेरी गलियों से बाहर निकलता है। स्कूटी चोरी की यह घटना दिल्ली के राजौरी गार्डन थाने के टैगोर गार्डन इलाके की है। स्कूटी चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद भी पुलिस को अब तक उस शातिर चोर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई की लोकल ट्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ट्रेन में दो महिलाएं सीट को लेकर आपस में भिड़ जाती हैं और दोनों ओर से जमकर मारपीट होती है। सीट को लेकर महासंग्राम, महिलाओं के बीच महाभारत, ये तस्वीरें मुंबई की लोकल ट्रेन की है जहां महिलाओं के बीच घमासान छिड़ गया है। ट्रेन की सीट को लेकर कोहराम मचा हुआ है। दो महिलाओं के बीच शुरू हुई कहासुनी धीरे धीरे बहस में बदल गई। हाथापाई हो रही है, थप्पड़ बरस रहे हैं, जुबानी जंग आर पार में बदल गई है। दोनों महिलाएं एक दूसरे के बालों को पकड़कर खींचने लगी, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। अगले ही पल जो हुआ वो तो ट्रेन में खड़ी बाकी महिलाओं ने भी कभी नहीं सोचा होगा। इसके बाद तो दोनों महिलाओं के बीच बोगी के आखिर में जोरदार घमासान भी होने लगा। लोकल ट्रेन में चीख पुकार मची तो महिला पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों महिलाओं के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि महिला पुलिस भी इससे नहीं बच पाई और इनके सिर पर भी चोट आ गई। ये पूरी घटना थाने से पनवेल जा रही एक लोकल ट्रेन में हुई। इस मामले में वाशी रेलवे स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर एस कटारे ने बताया कि थाने से लोकल ट्रेन में एक महिला अपनी पोती के साथ सवार हुई थी। वहीं एक अन्य महिला ने कोपर खीरने में ट्रेन पकड़ी थी। तीनों सीट खाली होने का इंतजार कर रही थी और तभी स्टेशन पर एक सीट खाली हुई तो दादी ने अपनी पोती को सीट दिलाने का प्रयास किया। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि दिल्ली में सनातन के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। दिल्ली में सनातन के खिलाफ शपथ, नहीं उनकी पूजा करूंगा, नहीं उनकी पूजा करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश से कैसी नफरत, राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा। हिंदुओं के खिलाफ जहर, सियासी कहर। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। इस बयान से जाहिर है कि दिल्ली में सनातन के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। नहीं मानूंगा, कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के सामने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। राम और कृष्ण को भगवान ना मानने की शपथ दिलाई जा रही है। सनातन के खिलाफ ये शपथ अरविंद केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी ली है। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा, और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा।
करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। दिल्ली के करोल बाग स्थित अंबेडकर भवन में अशोक विजयदशमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली और आसपास के इलाकों से करीब 10,000 लोगों ने बौद्ध दीक्षा ली। इसी दीक्षा कार्यक्रम के दौरान में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजरत्न अंबेडकर ने हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगला और लोगों को इस नफरती कार्यक्रम में शपथ दिलाई। ब्रह्मा विष्णु और महेश को, ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। शपथ के दौरान में कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणेश आदि किसी भी हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। हैरत की बात यह है कि बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कराया, बाकायदा वो उसी मंच पर बैठे जहाँ सनातन पर कुठाराघात किया गया। खबर है कि अपने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की इस हरकत से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेहद नाराज हैं। वहीं भारत में हर किसी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सनातन के खिलाफ सुनियोजित साजिश है, साथ ही सनातन को बार बार टारगेट करके किसके इशारे पर ये काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर विवादों में है, हिंदू छात्र से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए, ऐसा आरोप लगा है छात्र की तरफ से। इसके अलावा हिंदू छात्र के हाथ से जो कलावा है उसको भी उतारने का आरोप लगा है। इसके अलावा उसकी बहन को भी हिजाब या बुरका पहनने का दबाव दिया गया है। देखिए इस रिपोर्ट को। एएमयू में फिर जागा पाकिस्तान प्रेम, तमंचे पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, हिंदू लड़की को हिजाब पहनाने की धमकी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने का मामला सामने आया है। एएमयू में एमटेक के छात्र ने आरोप लगाया कि रहबर नाम के मुस्लिम छात्र ने नशे की हालत में तमंचे के बल पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए, जबरदस्ती उसके हाथ से कलावा भी उतरवाया। यदि तुम्हें सुलेमान हॉल में या कैंपस में रहना है तो तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे, और वो मेरे हाथ में से कलावा हटवा देता था तो मैं हटा भी देता था क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है। पीड़ित छात्र का आरोप है कि जब उसने इसका विरोध किया तो रहबर और उसके साथियों ने उस पर चाकू से हमला बोल दिया, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई। मारपीट की इसने मेरे साथ और बुरी तरह से जख्मी कर दिया तमंचे के बल पर। पीड़ित छात्र की माने तो इन छात्रों ने एक साल पहले उसकी बहन को हिजाब पहनाने की धमकी दी थी। आर्किटेक्ट का स्टूडेंट है, वो काफी टाइम से मेरे को धमकी दे रहा कि तेरी बहन को हिजाब पहना दूंगा। आरोप है कि पुलिस ने भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोग पीड़ित छात्र को लेकर सिविल लाइन थाने पहुंच गए, जहां पुलिस ने छात्र को कार्रवाई का भरोसा दिया। तहरीर में मैंने प्रॉक्टर वगैरह के लिए एप्लीकेशन लिखी, पुलिस वाले मेरे साथ गए थे तो उन्होंने बोला कि जो एक्चुअल वाक्य हुआ वो लिखो, जो हिजाब वाला मसला या पाकिस्तान जिंदाबाद वाला मसला वो मत लिखो, तो मैंने वही लिखा जो उन्होंने बोला। एएमयू के प्रॉक्टर डॉक्टर वसीम अली खान का कहना है कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। उसमें सिर्फ ये है, उनकी एप्लीकेशन में भी यही बात आई है कि हम सुलेमान हॉल गए और हमको रहबर दानिश और उनके साथियों ने हमारे साथ मारपीट किया और हमें गंभीर रूप से चोट आई है। उसमें इस तरीके की कोई ऐसी बात नहीं हुई, हमारे वो प्रॉक्टर ऑफिस में भी आए, उनके साथ दो पुलिस वाले आए थे, मेरी मुलाकात भी उस लड़के से हुई थी, उसने ऐसी कोई बात उस वक्त तक के नहीं बताई है। अब सवाल उठता है कि अगर पीड़ित छात्र के आरोप सच है तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देश विरोधी ताकतें अपना पैर पसार रही हैं? अगर हिंदू छात्र का आरोप सही साबित नहीं होता तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्कूल में प्रिंसिपल पर स्कूल के अंदर मजार बनवाने का आरोप लगा है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी यहां पर बंद करा दिया गया। शिकायत मिलने के बाद प्रिंसिपल का दूसरे जिले में ट्रांसफर करवा दिया गया और पूरे मामले की जांच बैठा दी गई है। विदिशा के स्कूल में कट्टरवाद, स्कूल में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत बैंड। मध्य प्रदेश के विदिशा में सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा ने सरकारी पैसे से
चबूतरा तोड़ करके मजार बनवा दिया। प्रिंसिपल साहिबा का नाम शाहिना फिरदौस है। शिकायत के बाद से शाहिना का ट्रांसफर कर दिया गया। प्रशासन ने मजार नुमा चबूतरे को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। प्राचार्य से पूछा तो उसका कहना था कि मैंने करवाया कुछ नहीं है, ये तो पुराना चबूतरा था, मैंने उसको रिपेयर करवाया है। चाहे पुराना चबूतरा था, जैसा भी था, चबूतरा नहीं लग रहा वो, उसको उसने बाजार की शेप दी है, तो बाजार तो इसी, इसके लिए प्राचार्य दोषी पाया गया। शाहिना फिरदौस ने स्कूल में एक और कारनामा कर दिखाया। गजवाए हिंद चैप्टर लागू करते हुए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर पाबंदी लगा दी। यकीन नहीं होता तो स्कूल के बच्चों से खुद सुन लीजिए। प्रार्थना मध्य प्रदेश गान और ए मालिक तेरे बंदे हम, और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान कभी कभी कुछ मौकों पर होता था। यहाँ पर काफी तरह की प्रार्थना होती है, मन की शक्ति, प्रेरणा गीत वगैरह भी होते हैं। मामला सामने आने के बाद से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जब स्कूल में मजार की बात सुनी तो भड़क गए और चेतावनी दी कि मजार हटाया नहीं तो जेल जाएंगे। शिक्षा के मंदिरों में कट्टरपंथ न फैलाए। अपराध ही कायम नहीं किया जाएगा, बल्कि जिसने बनाई है उसको खुद को मजार हटाना पड़ेगा। सरकारी विद्यालय शिक्षा के मंदिर है। सरकारी विद्यालय में आप स्कूल संचालित करिए, लोगों को शिक्षा दीजिए, लोगों को पढ़ाइए, मजार मत बनाइए। प्रिंसिपल शाहिना फिरदौस पर निलंबन की कार्रवाई शुरू हो गई है। साथ ही ये जांच भी की जा रही है कि कहीं शाहिना का किसी कट्टरवादी संगठन से तो कोई संबंध नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड के दुमका से एक बार फिर से हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक तरफा प्यार में पागल युवक ने शादी से इनकार करने पर लड़की के ऊपर पेट्रोल छिड़कर उसे आग के हवाले कर दिया। दुमका में फिर पेट्रोल कांड हो गया। शादी से इनकार किया तो जला डाला। झारखंड के दुमका में सनकी ने एक लड़की को सिर्फ इसलिए पेट्रोल डाल करके जला दिया क्योंकि लड़की उससे शादी के लिए तैयार नहीं थी। आरोपी शादीशुदा था, बावजूद इसके वो पीड़ित पर शादी करने का दबाव डाल रहा था, लेकिन लड़के को ये इनकार मंजूर नहीं था और इंतकाम की आग में उसने उसी लड़की को जिंदा जला दिया जिससे कि वो शादी करना चाहता था। अभी तक तो ये पता चला है कि एक लड़की थी जो इसमें भरतपुर में है, वो सोई हुई थी, उसको कोई नॉन लड़का लजेंट को जानती थी तो वो जला दिया। अभी उसमें यहाँ से रेफर किया गया है रांची, आगे आगे अनुसंधान जारी है। इन लोगों का पहले से जान पहचान था, शादी के लिए बोला था, शादी के लिए लोग तैयार नहीं थे, घर वाले तो बोल रहा था कि शादी नहीं करोगी जबकि लड़की शादीशुदा है। दुमका के जरमुंडी में हुई वारदात के बाद आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बुरी तरह झुलसी लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही है। इसको बोला तुमको पहले से बोला से दुमका में जैसा लड़का को लड़की को जलाया उसे तुमको जिंदगी बेकार कर देंगे, जो तुमको जला के मार देंगे। पीड़ित के रिश्तेदारों का कहना है कि आरोपी राजेश लंबे वक्त से दुमका में हुए पेट्रोल कांड की तरह जलाने की धमकी दे रहा था। पीड़ित लड़की को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल में ले जाया गया है। इस वारदात पर बीजेपी ने सोरेन सरकार पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। दुमका जैसे स्थान में इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है तो स्वाभाविक रूप से एक बात स्पष्ट हो गई है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और दुमका में अत्यंत दयनीय स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की हो गई है और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। दुमका में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। सवाल ये है कि झारखंड में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? लोगों में ऐसी मानसिकता किस तरह पनप रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।